नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिंद्र और मेरे वीलॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है गोवर्धन पूजा, तो आज का वीडियो होगा कि कैसे गांव में गोवर्धन पूजा करते हैं, तो वो सब दिखाएंगे। और आज आपको दिखाएंगे कि राउत नाचा क्या होता है, राउत नाचा कैसे होता है, वो सब दिखाएंगे। तो आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए, तो पूरा वीडियो देखिएगा और एंजॉय कीजिए हमारे वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ चाची निहारिका भाभी और दिव्या बना रहे हैं गोवर्धन पूजन के लिए खाना। तो ये बन गया है आज गोवर्धन पूजा के लिए खाना, जिसको पहले गाय को भोग लगाएंगे, फिर हम लोग प्रसाद के रूप में इसको खाएंगे। तो आज है कढ़ी, मटर आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और बड़ा, खिचड़ी और मूली भाजी की सब्ज़ी। तो चलिए सबसे पहले गोवर्धन पूजा करते हैं और गाय को भोग लगाते हैं। और यहाँ पर गोवर्धन पहाड़ का पूजा करेंगे। ये गोबर का एक छोटा सा पहाड़ जैसा बनाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर भाई पूजा का सामान लेके आ गया है, साथ में है मांगू। मांगू हर साल पूजा में आते हैं, ये गांव में ही रहते हैं और चाचा और पापा के समय से ही ये पूजा में आते हैं। और यहाँ पर भाई पूजा स्टार्ट कर रहा है, वो कलश रेडी कर रहा है सबसे पहले। और यहाँ पर मांगू नए नारियल को लाल कपड़े बांध रहा है, फिर इस नारियल को गाय जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर बांध देते हैं। और यहाँ भाई पूजा का तैयारी करते हुए, और अब ये पूजा स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले कलश की पूजा किए, फिर उसके बाद जो छोटा सा गोवर्धन पहाड़ बनाया था उसकी पूजा कर रहे हैं, उनको फूल केला सिंदूर सब लगाते हैं। और यहाँ पर महागू गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, और अब बैल की पूजा कर रहे हैं भाई। देखिए तिलक लगाया और तिलक लगाकर फूल चढ़ाते हैं बैल को और गाय को। तो ये देखिए, और ये भाई अब जो खाना हमने बनाया था वो खाना इन दोनों बैल को खिला देंगे, ये देखिए। और उसमें थोड़ा सा प्रसाद निकाल लिया, जिसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ये देखिए गायों ने खाना खा लिया। तो अब गाय लोगों ने खाना खा लिया, उनको खिला दिया, पूजा भी हो गई, तो अब हम लोग खाना खाएंगे। तो ये रही हमारे खाने की थाली, तो आइए खाते हैं आज का प्रसाद। और यहाँ पर अनीता भाभी लोग भी आ गए हैं गांव रायपुर से दिवाली मनाने के लिए। और ये देखिए, ये है राउत नाचा, जो गांव में जो ग्वाले होते हैं वो लोग आकर आज के दिन डांस करते हैं, तो इसको बोलते हैं राउत नाचा। आज के दिन गांव में ग्वाले एक गोवर्धन पहाड़ बनाते हैं गोबर से, फिर उस पहाड़ के ऊपर से गायों को चलने देते हैं और फिर उस गोबर को एक दूसरे को लगाते हैं। तो ये देखिए, ये लोग मुझे वही गोबर का तिलक लगा रहे हैं और बदले मैं भी उनको वही तिलक लगा रहा हूँ। और यहाँ पर ग्वालों को मैंने कुछ पैसे देकर विदाई दी। यहाँ पर गांव के कुछ बच्चे पटाखे मांग रहे थे, तो मैंने पटाखे लाके उनको दिया और ये बहुत खुश हो गए
और जाकर फोड़ने लगे पटाखे। तो रॉकेट फोड़ पे कर रहे हो ना? और यहाँ पर है नट्टू और छुनू। छुनू गांव के बहुत ही पुराने हमारे घर में आने जाने वालों में से हैं, और कुछ भी फंक्शन हमारे यहाँ तो छुनू जरूर आते हैं। और यहाँ पर एक बच्चा मेरे से रॉकेट मांग रहा है। पूरी भीड़, ये देखिए गांव के बच्चे फटाके लेने आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है इन बच्चों को फटाके देकर, और जब ये फोड़ते फटाके और खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक गांव के लोग एनुभिया से मिल रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे, नमस्ते कर रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मेरे को गोबर का तिलक लगा हुआ है। ये एक्चुअली गांव में एक गोवर्धन पहाड़ बनाया जाता है गोबर का, फिर उसके बाद गाय को उस गोवर्धन पहाड़ से खुदाते हैं, उसके बाद उस गोबर का तिलक करते हैं। तो ये है उस गोवर्धन पहाड़ का तिलक जो गाँव में गोवर्धन पूजा के बाद लगाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे नए नए वीडियोस देख सके और उन्हें एंजॉय कर सके। तो आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।